So I am so proud, and I think everybody dil se yaar ICS aur yahan ICS se jo bachche hain unke liye huge round of applause please. I think this is one cause that has brought all of us together. Main is cause ke bare mein zyada baat nahi karungi because I think there is somebody else who should talk about it. Someone who has been spearheading this campaign since a very, very, very long time. So I would actually like to invite and call RJ Abhilash here, jinke efforts se and you know with all the hard work, I think this has been possible. So a huge round of applause for Abhilash, please. Hi guys, thank you so much for coming. ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था एक कॉल के थ्रू. पहले बताया तो मैं अभिलाष हूँ, मैं यहाँ पे 5 से 9 का शो करता हूँ शाम का, जिसे कहते हैं मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर. और यूजुअली जितनी भी स्ट्रगल स्टोरीज, हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल चल ही रहा है. कोई अपने बॉस से परेशान है, कोई ऑफिस से परेशान है, कोई ट्रैफिक से परेशान है, किसी को घर नहीं मिल रहा है, किसी कोई बच्चों से परेशान है. तो मैं पूरी मुंबई से ये कह रहा था कि अपनी स्ट्रगल स्टोरीज हमारे साथ शेयर कीजिए. मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए, वही जेनरिक हमारी लाइफ के स्ट्रगल्स जो होते हैं. तब तक हमारे पास 1,25,000 के करीब कॉल्स आ चुके थे और एक कॉल ने हमें खिला दिया है. एक बच्चे का कॉल आया, 7 साल का बच्चा जो यहाँ पे बैठा हुआ है आपके सामने शक्ति, इसने कॉल करके कहा कि मेरी लाइफ में एक स्ट्रगल चल रहा है, मैं 5 महीने से स्कूल नहीं गया हूँ और मेरे पेरेंट्स टेंशन में रहते हैं और ये फोन डिस्कनेक्ट हो गया. पूरी बिग एफएम की टीम का दिमाग घूम गया था. अभी तक हम लोग ट्रेस करते रहे नंबर, नंबर स्विच ऑफ हो गया था. उसके बाद आफ्टर 20 आवर्स वी गॉट इन टच विद दिस किड और इसने बताया कि 7 साल का बच्चा है जो ब्लड कैंसर से स्ट्रगल कर रहा है. दिस इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन माय लाइफ. माय सिस्टर इज स्ट्रगलिंग विद ब्रेस्ट कैंसर, सो आई नो ये स्ट्रगल कितना टफ होता है, कीमोथेरेपीज, बाकी सेशंस. और उस टाइम पर हमारे दिमाग, हमारे पास दो ऑप्शंस थे, या तो हम लोग खड़े होके रेडियो पर वही जो रैंडम चीजें हम लोग हमदर्दी और सिंपैथी और एम्पैथी दिखा रहे होते हैं वो करें, या फिर एक्चुअली कुछ चेंज लाएं. वी डिसाइडेड कि हम लोग इस बार सिर्फ बातें नहीं करेंगे रेडियो पर, हम लोग कुछ करेंगे. वी गॉट इन टच विद ICS, इंडियन कैंसर सोसाइटी, और उनके लिए हमने डिसाइड किया कि जितने भी कैंसर से स्ट्रगल करते हैं बच्चे, और हर एक बच्चे की स्टोरी बड़ी अलग है, शक्ति की स्टोरी बड़ी अलग है. 5-6 महीनों से पूरी फैमिली मुंबई में इसका इलाज करवा रही है. कमाई का कोई साधन नहीं, क्योंकि जो अकेले कमाने वाले फादर थे वो साथ में यहाँ पर है. एक छोटा भाई है शक्ति का, जो गाँव में, उसे पिछले 5 महीनों से पूरी फैमिली ने नहीं देखा है. कभी कभार उसकी पिक्चर बस व्हाट्सएप पर आ जाती है जिसको देख लिया जाता है. ऐसी हजारों हजार स्टोरीज हैं जो शायद किसी रेडियो स्टेशन पर अब तक नहीं आई है, किसी अखबार में नहीं छपी है, किसी टीवी चैनल ने, किसी जर्नलिस्ट ने उसको कवर नहीं किया. बट हमने कोशिश की, हम लोग 10 लाख रुपए रेज करेंगे इन बच्चों की, इन फैमिलीज के स्ट्रगल में हेल्प करने के लिए. और 10 लाख रुपए हम लोग कर चुके विद इन अ स्पैन ऑफ 5 days. सो थैंक यू मुंबई, थैंक यू बिग एफएम. और ये सिर्फ तभी हो पाया क्योंकि ये शायद सिर्फ रेडियो के थ्रू ही हो सकता था, और कोई मीडियम शायद ये कर नहीं सकता था. और बिग एफएम जैसा स्टेशन जिसने सच में, अब हम लोग बोलते हैं अपने आप को प्रोग्रामिंग वाले, तो प्रोग्रामिंग वालों की धुन बदल दी है. ये सब होने के बाद मैंने सोचा एक ऐसे इंसान को यहाँ बुलाते हैं जिसने इस देश में उन चीजों के बाद, कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में अभी भी हमारे कोई ना कोई दोस्त, कोई ना कोई फैमिली में कोई अक्वेंटेंस स्ट्रगल कर रहा है. वी ऑल नो वन पर्सन और द अदर जो स्ट्रगल कर रहा है कैंसर के साथ, लेकिन इसके बारे में बात नहीं हो रही है. तो हमारे साथ अभी एक इंसान है जिसने इस देश में बहुत सारी डिबेट शुरू की और आज उससे बेटर पर्सन यहाँ पर कोई और नहीं हो सकता था. शी है. So can we please have a big round of applause for an amazing actor, a very dear friend, aur kamal ki human being, Tapsee Pannu. Oh, come on guys, for Tapsee Pannu. Kya hua tum bolna chhod chuke ho bilkul, ab bolte nahi ho. आप
आपके बालों का रंग मुझे पसंद नहीं है जो कलर मैंने करवाया है, तो आप भी मेरे सामने प्लीज क्या पहन के आना, तो किसी की बात मानता है। और मैं वही बोल रहा था कि वो अकेले एक्टर है जिसने इतनी सारी डिबेट्स इस देश में शुरू की है, इतनी सारी डिस्कशंस शुरू की है, सो दिस इज वन टॉपिक व्हिच रियली नीड्स योर सपोर्ट। या या फॉर श्योर, आई मीन वी वर डिस्कसिंग द अदर डे, अभिलाष और मैं काफी अक्सर मिलते हैं, क्योंकि आई मीन इट्स नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस ओकेजन, वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस क्वाइट सम टाइम। तो दैट कैंसर इज समथिंग हर एक की फैमिली में है, डायरेक्टली नहीं तो एक्सटेंडेड फैमिली में है, which is very scary actually. I have extended family members who are going through cancer, some or the other type of cancer, which is very scary. I have my mom back home, she keeps scaring me kabhi kabhi bol bol ke ki acha mujhe ab ye bimari ho gayi hai, choti moti ko ye bimari ho, ye na aage jaake cancer ho jayega. So it's very much there in every family, the fear of getting cancer, because kitni matlab एक वायरल इन्फेक्शन की जिस तरह से बात हो जाती है ना, एक बहुत मतलब ज़्यादा एक्सट्रीम वायरल इन्फेक्शन के, उस तरह से बात होने लग गई है कैंसर के बारे में घर घर में। सो इसलिए इट्स वेरी स्केरी एंड लुकिंग एट देम आई इट्स ऑलमोस्ट डिस्टर्बिंग बॉटम लाइन दैट दे हैव टू गो थ्रू इट। सो वट एवर आई कैन डू लिटिल, जितना मेरी कैपेसिटी में है, आई वुड लव टू डू इट, बी पार्ट ऑफ इट। कंग्रेचुलेशन गाइस, कितने हो गए? वही ना 10 लाख। हाँ वही, कंग्रेचुलेशन। मैंने कहा आऊंगी यहाँ पे तो जितने बच्चे होंगे देन आई वुड एंड अप एक्सटेंडिंग अ जेस्टर सेइंग सर तू भी क्या याद रखेगा, बच गए। कंग्रेचुलेशन। एक जेस्टर है जो हम लोग बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स चाहिए ना, तुम्हें गिफ्ट्स नहीं चाहिए? अच्छा, शक्ति इज द ओनली पर्सन, बाकी सबसे मैं आज पहली बार मिल रहा हूँ शक्ति, जिससे मैं पहले मिल चुका हूँ, शक्ति के पापा, शक्ति की मम्मी वहां पर खड़े हो रखे हैं, जिनसे मेरी पहली मुलाकात हो चुकी है। सो दीज आर अ फ्यू गिफ्ट्स वी हैव गॉट फॉर ऑल ऑफ देम। तुम्हारे पास आए, तुम तो आओगे ना, यहाँ पर एटीट्यूड है ना ब्रो का, तो ब्रो थोड़ा खड़ा होगा। ऑलराइट, स्टॉप सीक्रेट, यू जस्ट कम ऑन गाइस। ओके, वन मोर टाइम आई वांट टू मेंशन दैट 10 लाख रुपए का जो हमारा टारगेट हमने ICS को डोनेट करने के लिए लिया था, वो हम लोगों ने विद इन स्पैन ऑफ 6-7 days हमने पूरा कर लिया। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज अपने लिए। Alright, so we're going to have an open session now. So, okay, so before that, photograph please. So, आप लोग खुश हो गिफ्ट से? Please, आ जाओ सारे बच्चे. So please come and join. मैं नहीं लूँगी. वहाँ बाद में बैठ के फाइट करेंगे. हाँ हाँ. फोटो फोटो फोटो. शक्ति के पेरेंट्स, if you can please come. Thank you, I just...
look at left. मैम लुक टू राइट साइड लुक सबसे राइट मैम योर लेफ्ट अभी ठीक है बोलता रुको ना वेट वेट भारतीय हो गया भारतीय हो गया वेट 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 माइक्स मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया इन्होंने किया है मैं तो मेरे को तो सिर्फ इसका एक छोटा सा हिस्सा वो कहते हैं चलती गाड़ी में बैठ जाते हैं तो मैंने वो किया है मेरा अगर कुछ भी फ़ायदा हो सकेगा तो देन आई फील रियली हैप्पी अबाउट इट और फिलहाल तो सारा क्रेडिट इन लोगों का ही है मैं ये बस इतना कहना चाहूंगी कि अपने जो हित में हो सके आगे वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा और क्लीन और एक हेल्दी वर्ल्ड छोड़ के जाइए क्योंकि इन बच्चों की कोई गलती थी नहीं इनकी एल्डर जनरेशन ने हमने सबने जैसे जैसा वर्ल्ड बना दिया है जिसकी वजह से इस तरह की जो बीमारियां आ रही हैं इतने छोटे छोटे बच्चों को एटलीस्ट अपने जो आपके हाथ में है कुछ ऐसा करिए कि आपका वर्ल्ड एक अच्छा साफ हेल्दी वर्ल्ड बन सके ताकि आगे वाली जनरेशन सफ़र ना करे नहीं तो ऐसे काउंटलेस केसेस होने लग जाएंगे आई ऑलवेज गेट इमोशनल व्हेन आई गेट टू नो थिंग्स लाइक दिस अबाउट किड्स क्योंकि होता क्या है कि सो मेनी ऑफ देम आर बॉर्न विद इट कईयों को हो जाता है अभी तो ये दुनिया इन्होंने ढंग से देखी ही नहीं है तो इनको ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो इनकी जिसमें गलती नहीं होती है वो क्योंकि उनका एनवायरनमेंट इतना ख़राब है जो जिसके अंदर इन लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन था नहीं वो इनकी जो एल्डर जनरेशन है उनका कंट्रीब्यूशन है ये सब करने के अंदर तो वो एक तरह का गिल्ट और एक तरीके का मतलब बहुत बुरा लगता है देख के कि शायद हम सब की वजह से आज ये है बिग एफएम जैसे मैं बिग एफएम की बात करूँ उन्होंने बहुत मतलब काबिले तारीफ कदम उठाया उनके शक्ति के साथ तो बिग एफएम जैसे किसी बच्चे ने कॉल किया उन्हें ऐसा हुआ और वो सब आ गए और भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जब मैं गवर्नमेंट मशीनरी की बात करता हूँ या स्टेट या सेंट्रल मशीनरी की बात करता हूँ वहाँ इस तरह के पर्याप्त अरेंजमेंट नहीं है जहाँ पे इस तरह की बीमारी खास करके फाइनेंशियल जब हम बात कर रहे हैं समथिंग अबाउट दैट देखिए हर एक कंट्री के ना शॉर्टकमिंग्स और पॉजिटिव चीज़ें होती हैं अब मैं या तो शॉर्टकमिंग को लेके बैठ जाऊँ उस पर मैं उंगली करती रहूँ और मतलब उस पर क्रिप करती रहूँ या फिर मेरे जो हाथ में कुछ अच्छा करने को है मैं क्या कर रही हूँ उसके लिए मैं कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करूँ मैं ना एक आधे ग्लास को आधा भरा हुआ देखना पसंद करती हूँ मैं इस बात शॉर्टकमिंग्स हर कंट्री के अंदर होती हैं मैं क्या कर रही हूँ उसके उसको मेकअप करने के लिए मेरे को उस पर ध्यान देना है मैं उंगली उठा के मैं थक चुकी हूँ मुझे करना नहीं है बट इवन सरकार भी जब हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमें पता लगा आयुष्मान स्कीम है जो आई है जिसके बारे में अवेयरनेस नहीं है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इंडियन कैंसर सोसाइटी इतने सालों से ये काम कर रही है इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी ICS से हमें पता लगा कि पिछले 10-12 सालों से जब से 20 साल इनफैक्ट या शायद ज़्यादा जब से ये लोग फंक्शन कर रहे हैं लोगों को अब जाके ICS के बारे में पता चलना शुरू हुआ है तो ऐसे बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन है और ICS एक है कैटो एक है जिस प्लेटफॉर्म ने हमें हेल्प किया है बट इसके अलावा हज़ार और प्लेटफॉर्म्स है और सोसाइटीज़ है जिनके बारे में अवेयरनेस फैलाने की बात है फॉर इंस्टेंस आयुष्मान स्कीम शायद हम लोगों को पता भी नहीं होगा आयुष्मान स्कीम क्या है बट आयुष्मान इज़ टारगेटिंग दोज पीपल जो बिलो पॉवर्टी लाइन है तो उसके बारे में जितना हम लोग बात करेंगे वहीं से वो डिस्कशन और डायलॉग शुरू होगा सर अब जिस चीज से जुड़ती हैं दिल से जुड़ती है ऑनेस्टी के साथ जुड़ती है लेकिन अक्सर देखा जाता है बॉलीवुड एक्टर्स किसी सोशल इनिशिएटिव के साथ जुड़ते हैं तो उस इवेंट तक नजर आते हैं उसके बाद उस एक्चुअली मैं ना इवेंट पे कम नज़र आती हूँ और मैं जो चीज़ें करती भी हूँ मेरे को कई बार लोग बोलते हैं कि अच्छा अभी इसके बारे में बात करते हैं जो आपने किया मतलब मेरा एक अजीब सी लाइन थी कई लोग उसको गलत इंटरप्रेट भी करते हैं कि अगर मैं अपनी चैरिटी के बारे में बात करना शुरू कर दूँ तो देन आई एम द चैरिटी सो मैं वो किया नहीं है मैंने आज तक कॉजेस वो सपोर्ट करती हूँ जिनके लिए मैं कुछ ऑलरेडी कर रही हूँ और वो आके मैं बोलूं कि मैं ये कर रही हूँ तो तुम करो ये नहीं होता है मैं आके बोलूंगी आप करिए आपका दिल आपके दिल को ये बात छूती है तो करिए जो लोग मेरी बात सुनते हैं मेरी वैल्यू है उनकी लाइफ में कुछ तो शायद वो मेरी बात सुनेंगे उससे मेरा मैं क्या कर रही हूँ पीछे कैमरे के इफेक्ट नहीं होता अभी जैसे आपने बताया अवेयरनेस की बात काफी ज्यादा अवेयरनेस की बात हो रही है अब पानी को लेकर भी बहुत सारे शहर हैं पानी की लेवल बहुत कम हो चुका है तो किस तरीके से आप बताएंगे लोगों को कि हम
कंट्रीब्यूशन से हम लोग मुहिम भी चला रहे हैं। हाँ हाँ, किस तरीके से पानी बचाया जाए और सरकार भी वाटर कंजर्वेशन को लेकर ध्यान दे रही है। हाँ एग्जैक्टली, मैं ये बहुत ना डरावनी चीज़ है। मैं इनफैक्ट घर के अंदर मैं और मेरी बहन रोज़ हमारा एक दो बाई तो डिस्कशन हो जाता है इस बारे में कि ये पानी जो है वो जाने वाला है। वो ऐसा नहीं है कि मैं हमारी अगली पीढ़ी में जाएगा या हमारे सामने ही चला जाएगा। तो वो अब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना घर के अंदर, चाहे वो ब्रश करते समय पानी होता है, चाहे वो प्लांट्स को पौधा मतलब पानी देते हैं जब, तो बच जाता है थोड़ा सा उसको ऐसे ही फेंक देते हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं घर के अंदर, जो सब्जियां साफ़ करने तक का जो पानी होता है वो भी यूज़ करना चालू कर दिया है, क्योंकि एक सडन झटका लगा है देख के सुन के कि शायद हमारे सामने सामने ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और वो जो हम कई साइंस फिक्शन तरीके की मूवीज़ में देखते हैं ना कि आगे कुछ सालों के बाद ऐसा टाइम होगा जब हवा और पानी सिर्फ अमीरों के पास रह जाएंगे एंड ऑल दैट, वो अब वो हार्श रियलिटी होने वाली है, ऐसा डर लग रहा है देख के। तो अपनी तरफ से तो मतलब हमने अपने घर के अंदर जो भी कर सकते हैं या मेरी वजह से जो चीज़ें चेंज हो सकती हैं वो करनी शुरू कर दी हैं। आप सिर्फ इतना कीजिए, सब जो लोग इस बात को लेके अवेयर हैं और कुछ करना चाहते हैं, आप अपने घर के अंदर चेंजेस लाइए, अपनी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लाइए, एक एक करके वो बूंद बूंद करके ना वो सागर भर जाएगा। थैंक यू। वो इतना बोलूँगी, मेरे करियर का सबसे बड़ा चैलेंजिंग रोल है ये, मैं हमेशा से बोलती आई हूँ। इससे बड़ा चैलेंज तो शायद वो भी नहीं था जब मैंने ये सोचा कि चलो एक्टिंग करके देखते हैं। तो ये बहुत चैलेंजिंग चीज़ कर ली है मैंने, बट रिग्रेट नहीं है। इनफैक्ट एक्साइटेड हूँ, एंक्शियस हूँ। टीज़र का रिस्पांस देखने के बाद और भी एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ चुका है मेरे और भूमि के बीच में। सो हम अब लग रहा है दिवाली जल्दी आ जाए। हाँ, मैंने उसको बोला, उसने रिप्लाई भी किया, उसके बाद उसने मेरा भूमि का दोनों का नाम लिया। मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा तो मैं गिर जाऊंगी, बट हाँ एक साथ होता तो लगता है कि चलो ठीक है, किसी ने एक्नॉलेज किया, वो ऑब्वियसली एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है एक तरह का। जी आप बोलिए, उनको मुझे करने दे, मुझे बहुत पसंद है वो स्टोरी। यस आई एम डूइंग अ फिल्म विद अनुभव सर, अनुराग ऑल्सो, अनुभव सर ऑल्सो। अनुभव सर के साथ पहले करूंगी, उसके बाद नवंबर दिसंबर में कश्यप के साथ एक मूवी। आई जस्ट लव योर बॉन्डिंग, यू नो, जिस तरह से आपको एड्रेस कर रहे थे, तूने देखा, तूने वो इतना और किन लोगों से और किन लोगों से, स्पेशली द बॉलीवुड पार्ट से, किन लोगों से इस तरह की इंटरेक्शन है तापसी का? है, दिखी जाता लोगों को ट्विटर पे मेरी इंटरेक्शन एक्चुअली इन लोगों के साथ, वरुण के साथ भी है ऐसी इंटरेक्शन। इनफैक्ट मेरे डायरेक्टर्स के साथ भी ऐसी इंटरेक्शन ज़रूर है। सबको शायद मैं तू करके नहीं बोलूँगी, बट बातें इस तरह की मैं उनसे बोल सकती हूँ, जैसे कि सुजीत दा हो गए, जैसे कि शुजॉय, अनुभव सर, अनुराग। यू विल ऑलवेज सी मी पुलिंग देयर लेग और देम पुलिंग माई लेग ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, और वो रियल लाइफ में तो और भी ज़्यादा एक दूसरे को हम अग्रेसिवली बुली करते हैं। मतलब दैट्स द फन, दैट्स द वे वी आर, बिकॉज मेरी बॉन्डिंग एट पर्सनल लेवल मेरे सब मोस्ट ऑफ मेरे डायरेक्टर्स के साथ और को एक्टर्स का बहुत अच्छी है। अच्छा, ये सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ से आता है? वो जैसे हम छोले देखते हैं ना कि हाँ हाँ तातिया तोपे के पोते हो तुम, वैसे आपने कहा कि वाय वाय वाय, कहाँ से आता है? नहीं, मैं अभिलाष से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। ये मेरे उन दोस्तों में है जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना ज़बरदस्त है कि मैं इसको हर बार ही बोलती रहती हूँ, तू और कुछ करना, तू और कुछ कर। सो आई थिंक ऐसे दोस्त होते हैं ना, मेरे काफ़ी दोस्त ऐसे हैं इनफैक्ट जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, और मैं पसंद करती हूँ उन लोगों को जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। और सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होने का मतलब ये नहीं है आप दूसरों पर मजाक सारे टाइम उड़ाते हो, अपने ऊपर जो मजाक होता है वो आप कितने अच्छे तरीके से ले लेते हो, वो भी सेंस ऑफ ह्यूमर का हिस्सा होता है। और आई थिंक मेरे दोस्त काफ़ी अच्छे हैं उसमें, तो इसलिए मैं भी काफ़ी अच्छी खासी हूँ। थैंक यू सर। तापसी को क्या पहले जहन में थी आपके कि अगर ये ऐसे टाइप का कोई इनिशिएटिव स्टार्ट करे, हाँ, जैसे सोशल कॉज वाला होगा तो उनको आप साथ में रखेंगे? शायद आप दोनों की कैमरेटरी वैसी है, फिल्म भी साथ में कर चुके हैं, इसलिए या फिर क्योंकि उनकी सोच भी वैसी है सोशल कॉज को लीड कर, वो भी एक्टिव रहती है इसलिए?
सर, कभी भी जब हम रेडियो पर कोई कैंपेन करते हैं, मीडिया में इन जनरल कुछ चीज़ें होती है, तो हम जानते हैं कि एक एक्टर या एक सेलिब्रिटी उसके साथ एसोसिएटेड हो तो उसका लेवल ऊपर जाता है, अवेयरनेस उसके बारे में होती है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था जब हम लोगों ने ये 10 लाख रुपए भी रेज करने की कोशिश की, जितने लोगों तक पहुँच सके, क्योंकि मुंबई में तो हम लोग बिग FM हैं, बट बाहर के शहर जहाँ पर की शक्ति की कहानी नहीं पहुँची है, वो कैसे पहुँचेगी। एंड वी आर थिंकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ एक्टर्स, बट वी वॉन्टेड समवन। इनफैक्ट हमारी पूरी प्रोग्रामिंग टीम बैठी है, एंड वी आर जस्ट थिंकिंग कि कौन वो एक्टर्स हैं विच एक्चुअली मेक सेंस, जो कि सेंसिबल टॉपिक्स को डिस्कशन बनाते हैं। एंड दिस इज समथिंग जिसको सर मैं पर्सनली चाहता हूँ कि जिसके बारे में डिस्कशन हो, कैंसर, बिकॉज माई सिस्टर इज गोइंग थ्रू दैट। ऑब्वियसली आई नो हर, वो तो एक एडेड एडवांटेज है ही, बट उसके अलावा यूनानिमसली पूरी टीम ने कहा हाँ तापसी, जैसे ही मैंने कहा क्या तापसी, एंड एवरी वन वॉज लाइक यस तापसी, बिकॉज वी वॉन्टेड समवन जो सिर्फ वो, जैसा एक बड़ा अच्छा सवाल आपने कहा था कि सिर्फ इवेंट पर आके ना चला जाए, एंड आई नो हर, शी इज़ नॉट दैट सेलिब्रिटी। तो अगर वो कॉन्फिडेंस किसी के ऊपर है और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतने साफ दिल से कुछ किया है हमने रेडियो पर, और पूरी मुंबई ने ये अमाउंट अगर इकट्ठा किया है, देन वाई नॉट। इतना अच्छा काम करिए, लेकिन उसके बाद भी ट्रोलिंग का कई बार देखते हैं कि आप शिकार हो जाती हैं, और इंडस्ट्री के भी कुछ लोग हैं जो ट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि यू मैटर, व्हेन यू गेटिंग ट्रोल्ड दैट मींस यू मैटर, इफ यू आर नॉट गेटिंग ट्रोल्ड नोबडी वांट्स टू स्पेंड टाइम एंड एनर्जी ऑन यू, ना यू डोंट मैटर। मेरे को कोई ट्रोल नहीं करता ब्रो। हां, सो बस यू डोंट मैटर। आम आदमी करते हैं, समझ में आता है, इंडस्ट्री के कुछ लोग जिनसे जुड़े हुए, मतलब आई मैटर टू देम आल्सो। That's all I'll say. क्या बोलूँ सर? So lastly क्या कहना चाहती है फैंस को, और क्या कुछ स्टेप आप लेने वाली हैं इस कॉज को लेकर आगे चलकर? जी देखिए, जैसे इस तरीके की चीज़ें हो, मेरे वॉइस या मेरी एक मतलब बात बोलने से अगर ये बात स्प्रेड हो सके कि एक वो जो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं अपने उस स्टेटस का अगर इस तरीके से फ़ायदा उठा सकूँ कि मेरी बात, मैं कुछ बोलूँगी तो लोग सुनेंगे, तो वो डेफिनेटली उठाती रहूँगी, पहले भी उठाया जब भी मौका मिला है। अपने पर्सनल लेवल पे मैं जो करती हूँ, मैं जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, मैं उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करती हूँ, बट हाँ ये चीज़ें जैसे मैंने आपको कहा, सबकी फैमिली में है, मेरी भी एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा है ये बीमारी, तो ऑब्वियसली मेरी पर्सनल लेवल पर भी काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन चलता रहेगा जो शायद मैं कैमरे के आगे नहीं बोलती। आपने मेरा जवाब देखा? देखा ना, वाई, वाई, वाई। नहीं, वो तो वरुण को किया था, आपने कोई और जवाब देखा? तो आई थिंक इट आंसर्स इट। अब इससे ज्यादा मतलब तो अब स्पून फीडिंग नहीं करने में विश्वास करती हूँ। थैंक यू। हाँ तुम था, तुम बोलो भाई, तुम कैसे चुप रह गए आज? हाँ बोलो। हेलो, गुड आफ्टरनून। ये जो सेंसिटिविटी और एम्पैथी होता है जब आप लोग कन्वे करते हैं माइक के जरिए, इसमें काफ़ी एफर्ट लगता है या मतलब संवेदनाएं लगती हैं? यार एफर्ट तब लगता है जब कोई चीज़ आप फील नहीं करते हो, जब आप रोने की एक्टिंग तब करते हो जब आपको रोना नहीं आ रहा होता है। अगर यू फील फॉर इट, यू डोंट नीड टू एक्चुअली मेक एन एफर्ट टू डू इट, इट जस्ट नेचुरली हैपेंस। मैं तो खुद ही, आप बोल रहे हो कि मैं बोल रही हूँ कि आई एम सनशाइन? आप बोल रहे हो? चलो ठीक है, यूनिवर्सली। ओ वेरी नाइस सुमित, आई फील वेरी नाइस। हाँ जी, देखा बच्चों की आंखों में कितनी चमक? अरे मेरी आंखों की चमक देखी आपने? वो थोड़ी देर और रहते शायद मैं रो पड़ती वहाँ पे। तो वो बहुत एम्बेरसिंग लगता है कि भाई मैं बच्चों के सामने रोगी कहेंगे इतनी बड़ी होकर रो रही है। ऑफकोर्स आई थिंक बहुत, पता नहीं, ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जो शायद बच्चों को देख के नहीं फील करते होंगे कुछ भी उनके साथ हो रहा हो बुरा, तो पता नहीं ऐसे कौन से लोग होंगे, बट बहुत रेयर ही होंगे मुझे लगता है। आप भी बिल्कुल, मतलब पता नहीं ऐसा लग रहा है कि मतलब 10-15 साल कम हो गए आपके। अच्छा, ऐसा हो गया कई? क्या बात है, क्या इसी बात, मैंने 60 साल का रोल कर लिया, तुम मुझे 15 साल पीछे कर लो है? रियल का बोल रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मतलब मैं अभी भी कॉलेज का रोल करूँगी तो कोई कुछ बोलेगा नहीं है ना? पक्का ना? 15 का? चलो ठीक है, ओके। मतलब मैं स्कूल का भी रोल कर सकती हूँ अभी? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको पता है, आपको वैसे मालूम है, आपने अंत
अंतहीन प्रतिभा है। ओहो, तो मैं अब मैं ना यहाँ पे गड्ढा खोद के ना उसके नीचे समा जाऊंगी, अभी तो मुझे बहुत एम्बैरेस कर रहे हो। प्लीज थैंक यू, थैंक यू। कई लोग पूछ रहे थे, हाँ जी, आप तो शायद मतलब ये सब कहावतें लोकप्रिय सुनती होंगी, सो सुनार की एक लुहार की, तो आप क्या हैं? मैं तो ना, मैं दोनों में से नहीं हूँ यार, मैं एक मैं एक्टर हूँ। मेरा जो आंसर है मेरी पिक्चर में दिखेगा। वो मैं बहुत बोल दिया यार, इससे ज़्यादा तो मैं टाइम देने में विश्वास ही नहीं करती इस चीज़ को। बहुत काम है यार लाइफ में, वो छोटी लाइफ है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है लाइफ के अंदर, वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करना मैं प्रेफर करूँगी। अरे हाँ यार, वो मिल जाए तो मतलब बड़ा मजा आएगा क्रिकेट खेल के। ये ऐसे भी आप लोग बात कीजिए, जरा मिलना चाहिए मुझे, साइन होनी चाहिए। हाँ, वो मेरी पिक्चर सारे के सारे बात करेंगे, है ना। उनको बोलो यार मेरा नाम रिकमेंड करें। चलो कोई नहीं, आप बोलना नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन। फाइनल पिक्चर वो कैसी होती है? दिनेश थैंक यू।